रविंद्र नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो यहाँ उपस्थित माता भाई बहन मुझे आज्ञा दी है इस स्थान पर हम उपस्थित हैं राधा कुंड श्याम कुंड ये स्थान के महिमा को बताने के लिए। भागवत की कथा है इसमें जब भगवान श्री कृष्ण ने जो अविष्टासुर है ना जिसको मारा ऋषभ धनुष नाशा भगवान ने जब अविष्टासुर का वध किया तो वहाँ पर बड़ी सुंदर एक कथा आती है। इसमें बताया कि सभी गोपियाँ जो है वो कहती हैं कि हम तो ग्वाले हैं हम तो गोप हैं ग्वाले हमारा तो सारा जो जीविका चलती है वो गोपालन से हाँ गाय के दूध से हमारी जीविका चलती है और उसी के स्वरूप जो तुमने जो उसका वध कर दिया इसलिए आप अपवित्र हैं इसलिए आप जाइए सारे तीर्थों में स्नान करके आइए तब जाकर के आप हमारे पास आना। गोपियों ने कृष्ण को ऐसे करके कह दिया। तो कृष्ण जो है वो तो सब तीर्थों में क्या स्नान करेंगे कृष्ण जो इच्छा करेंगे भगवान जो इच्छा करते सारे तीर्थ को हाथ जोड़ करके भगवान के सामने भगवान ने कहा बस इतनी सी बात भगवान ने सारे तीर्थों को बस इशारा मात्र किया सारे तीर्थ आकर के और भगवान कृष्ण ने ये जो श्याम कुंड है इसको जो है बांसुरी से अपनी बांसुरी से थोड़ा क्रोध करके सारे तीर्थ उसमें आ गए। कृष्ण ने उसमें स्नान किया वहाँ पर गोपाल चंपू की एक बड़ी सुंदर कथा है। कृष्ण ने कहा कि वो जो राक्षस था वो पापी राक्षस था अरिष्टासुर वो राक्षस था और तुम राक्षस का पक्ष लेती हो और तुम सब भी अपवित्र हो अब आप लोग भी आइए और हमारे इस कुंड में स्नान करके आप लोग भी पवित्र हो जाइए। तो राधा रानी बोलती नहीं हम नहीं पवित्र हम आपके कुंड में क्यों स्नान करेंगे हमें कुंड बनाना होगा हमारा खुद का कुंड बनाएंगे। और राधा रानी ने उस जो उस पार जो कुंड है वो राधा रानी स्वयं अपने कंगन से बताते कि राधा रानी ने और गोपियों ने मिलकर के उस कुंड को बनाया। फिर कृष्ण ने बोला थोड़ा जल यहाँ से ले लो हमारे कुंड से ले लीजिए थोड़ा जल। बोला नहीं हम जल भी यहाँ से नहीं लेंगे। वो बताते कि दूसरी जगह से जल लेकर के मानसी गंगा से लेकर के जल लाना कर भरने लगे। तब सारे तीर्थ जो थे वो भगवान भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो भगवान से आप मेरी सेवा करते हो आपकी सेवा पूर्ण नहीं होगी जब तक राधा रानी की कृपा नहीं होगी आपकी जो सेवा पूर्ण नहीं होगी। फिर आप लोग जाइए राधा रानी से प्रार्थना करिए सारे तीर्थ जाकर राधा रानी से प्रार्थना करते हैं हे राधा रानी अगर आपकी कृपा हम पर नहीं होगी तब कृष्ण की पूर्ण कृपा हम पर नहीं हो सकती इसलिए आप हमें सेवा का अवसर प्रदान कीजिए। इसलिए राधा रानी उनके ऊपर जो ये कृपा कटाक्ष भाजन है ना कृपा की दृष्टि उन पर डालती हैं और उनको स्वीकृति देती हैं तो वो सारे तीर्थ जो है उसको उनको भी भरते हैं। यह बड़ी सुंदर ये राधा कुंड श्याम कुंड ये जो स्थान है ये बीच में से मिला हुआ है अंत में कृष्ण जो है अपनी बांसुरी से दोनों को मिला देते हैं। तो ये वो स्थान है ये हमारे सभी गुरुवर्ग हैं रघुनाथ दास गोस्वामी हैं हाँ रूप सनातन है गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ठाकुर हैं सभी इसी स्थान पर रह करके सभी ने भजन किया यहाँ सभी आते थे। और रघुनाथ दास गोस्वामी जब यहाँ राधा कुंड श्याम कुंड का जब ये इसका कुंड इसको सुंदर रूप में जब निर्माण करवा रहे थे जब बड़ा सुंदर इसको बना रहे थे जब पांच जो पंच पांडव है उन्होंने दर्शन दिया ये जो पेड़ रूप ये जो पेड़ है ये हम स्वयं यहाँ पर रह करके यहाँ राधा रानी का भजन कर रहे इसलिए आप हमें मत काटो इसलिए ये पेड़ यहाँ पर भी थे अभी तो शायद अप्रकट हो गए कहाँ पर यहाँ पर होंगे इसलिए लास्ट में उन्होंने अंतर ध्यान दिया इसलिए जब राधा कुंड श्याम कुंड प्रकट हो गया तब श्री जोग माया ने कभी श्री वृंदा देवी को आदेश दिया बोले राधा कुंड श्याम कुंड को इतना सुंदर बनाओ जैसे पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ सुंदर स्थान। तब श्री कहते भगवान की जो एक वृंदा और एक जोग माया क्या करती है समस्त लीला जितने राधा कृष्ण का जो लीलाओं को वो पुष्टि करती है लेकिन जो वृंदा देवी उनका जो मधुर लीला है राधा कृष्ण का जो श्रृंगार लीला में केवल श्री वृंदा देवी उसको मदद करती है। तो वृंदा देवी ने राधा कुंड श्याम कुंड में उन्होंने चार तरह का कमल फूल उन्होंने खिलवाया श्वेत कमल रक्त कमल नील कमल और सफ़ेद कमल बड़े सुंदर नील कमल फूल यहाँ पर हाँ जो इसमें क्रीड़ा करती थी राजहंस फिर इसका चारी कोण में उनने एक आम का वृक्ष फिर तमाल वृक्ष फिर कदम वृक्ष मौल श्री वृक्ष उनने चारी कोण में दो दो जिसमें राधा कृष्ण बैठ करके जो झूला झूलते हैं उनका परिचय क्या होता है पूरा
राधा कृष्ण श्याम कुंड के अंदर में इसे ऊपर तो झूलते हैं लेकिन अंदर में इसकी परछाई पड़ता है, बड़ा सुंदर बना है। फिर यहाँ पर उन्होंने आठ जो सखियाँ जो मेन सखी ललिता विशाखा चंपकलता सुंदरविद्या सुचित्रा उनके आठ पिंजर बनाए, जो आठ जो मंजरी रूप मंजरी रति मंजरी लवंग मंजरी की जो मंजरी के लिए आठ उन्होंने कुंज बनाए। बोले कुंज कैसे बनाए, बोले अद्भुत रंग का कुंज, कोई कुंज का रंग नील रंग है, कोई कुंज का रंग सफ़ेद रंग है, कोई कुंज का रंग एकदम पूरा लाल रंग है, लेकिन कोई कुंज का फूल फूल से बना हुआ, कोई कुंज बनाए जो पत्ते पत्ते में बनाए, और ऐसे कुंज बनाए जैसे हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ कुंज है, अगर हम यहाँ खड़े हैं ना, लेकिन कुंजों के अंदर में क्या हो रहे हैं आप देख नहीं सकते, तो खाली उसी जगत में हो सकता है। लेकिन जब राधा कृष्ण प्रवेश करते हैं कुंज का रंग और उनका रंग एक ही हो जाता है, एक ही रंग हो जाता है, उनको साथ में मिल जाता है, इसीलिए आप पास में खड़े होने पर भी देख नहीं सकते हैं वो कुंजों के अंदर में। ठाकुर जी कहते हैं इतना अद्भुत कुंज, विशेष करके यहाँ पर पांच लीला उनका विशेष करके झूला लीला है, राधा कृष्ण से झूला लीला करते हैं, एक उनका कुंज लीला है और एक है उनकी चौसठ, हाँ उनको यहाँ पर एक लीला होती है जो जल विहार है, महाराष्ट्र के बाद में जैसे जल क्रीड़ा करते हैं, फिर बोटिंग पार्क है, फिर नौका विलास करते हैं, नाम विलास करते हैं, इसलिए यहाँ पर होली भी खेलते हैं, यहाँ पर होली खेल होता है, इसलिए यहाँ पर भगवान की जो सबसे सबसे मधुर लीला ठाकुर जी, इसलिए कैसे समझ सकते हैं, भले तीन चीज़ों को द्वारा, भले स्थान काल और पात्र, ये तीन चीज़ को द्वारा किसी स्थान की महिमा को हम समझ सकते हैं। भले स्थान किया ही कदर राधा कुंड श्याम कुंड, राधा कुंड श्याम कुंड मतलब दिया, भले ये कुंड नहीं है, भले जता राधा प्रियम कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपी सुब क्या विष्णु रत्न बोलो, जो कुंड देख रहे हैं कुंड नहीं है, वो राधा रानी ही ये कुंड रूप में प्रकट हुआ। जैसे आप देखिएगा राधा रानी जैसे सिद्धि है, उधर जो राधा कुंड देखना पूरा सिद्धि चौकुना है, लेकिन कृष्ण जैसे तीन जगह से टेढ़े हैं, देखना कृष्ण कुंड भी तीन जगह से टेढ़े हैं कृष्ण कुंड, क्योंकि वो साक्षात राधा कृष्ण ही कुंड रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए बताया वैकुंठ जनित पूरा मधुपुरी, इसलिए वैकुंठ से श्रेष्ठ किया बोले मथुरा, बोले मथुरा से श्रेष्ठ किया बोले वृंदावन जहाँ पर भगवान रास किया, अरे उससे श्रेष्ठ किया बोले गिरिराज भगवान, बोले गिरिराज भगवान कौन कृष्ण स्वयं ये गिरिराज बने, कहते राधा कुंड श्याम कुंड सर्वश्रेष्ठ, बोले क्यों, कहते राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज की दो आँखें हैं, जैसे एक व्यक्ति को जो हम देखते हैं पहले नजर कहाँ जाते हैं आँखों में, पहले तो फेस में जाता है और नजर कहाँ जाती है आँखों में, कहते ना आँख में कोई बात करती है, इसलिए एक व्यक्ति आँखों को देख करके आप पता लगा सकती है दुखी ना सुखी, वो आँखों से पता चल जाता है, इसीलिए कहते हैं जो राधा कुंड श्याम कुंड में कहते हैं गिरिराज गोवर्धन के दो आँख है, दो नेत्र है यहाँ पर, इसलिए कहते हैं जो स्थान है कहते श्री राधा कुंड श्याम कुंड, कहते यहाँ पर जो लीला करते थे बोले उनको आठ जाम है, आठ जाम उसको पूरा 24 घंटा को आठ भाग में विभक्त की गई, हर लीला में तीन तीन घंटा उनको आठ तक की 26 आठ जाम में अलग अलग लीला होती है, लेकिन राधा कुंड श्याम कुंड का जो लीला है कहते हैं मध्यान्ह की लीला, कृष्ण जो गोचार में करने के लिए आते हैं सखाओं के साथ में, कृष्ण यहीं पर आ जाते हैं, हाँ विशेष करके अपना प्रिय नर्मन जो उनको श्रृंगार रस में मदद करने वाले उनको लेकर के यहीं पर आते हैं, जब यहीं पर आते हैं फिर कृष्ण यहीं पर और ब्रज गोपियाँ भी यहीं पर दूध दही मक्खन लेकर यहीं पर आते हैं, और यहाँ की जो लीला सबसे लंबा लीला कहीं ढाई घंटा कहीं तीन घंटा लेकिन ना चार घंटा लीला है, ये चार घंटा लीला करते हैं भगवान, और यहाँ पर जब लीला करते स्वच्छंद रूप में, और कहीं जब लीला करते हैं उनका डर रहता है बचला बचला हाँ ससुर आ जाए इतना डर रहता है, लेकिन यहाँ पर कोई डर नहीं है, क्यों क्योंकि जोग माया ये शाम को करते हैं, जोग माया उसको रखवाली करती है जोग माया, इसलिए कहते जो पात्र है, जो पात्र है यहाँ पर जैसे उनको पांच तरह का गोपियाँ पर विशेष करके तीन तटस्थ स्वपक्ष विपक्ष, यहाँ पर केवल राधा रानी के पक्ष में जो गोपियाँ हैं यहीं पर प्रवेश होता है, उनको साथ में अपने निज परिकरों को साथ में कृष्ण सत्यों को साथ में यहाँ पर लीला करते हैं, इसलिए यहाँ पर उन्हें राधा चिंता मणिमय राधा कुंड सारे कुंड प्रभाल विद्रोह मयर अर्वता राहे कुंड, यहाँ का जो घाट बना हुआ ना घाट
चिंता मनुष्य बनी है और जो विद्या है हम पता है कि हीरे मक्का जवाहरात क्या होता है समुद्र में, लेकिन यहाँ पर विद्या में तो सारे हैं, विद्या में सारे फल रहते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो रघुनाथ दास गोस्वामी यहीं पर बैठ करके बीच में बैठ कर के भजन करते थे, एकदम कड़ी धूप में बैठ कर भजन कर रहे हैं। अभी स्वयं राधा रानी आ करके उनको सर के ऊपर में जैसे कपड़े से ढक करके राधा रानी स्वयं कही है यहाँ पर सभी जगह सभी में। एक दिन सनातन गोस्वामी ने देख लिया, बोले रघुनाथ तुम राधा रानी को क्यों कष्ट देते हो, क्या कष्ट देता हूँ, बोले मैंने देखा तो